नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को आपन को स्वागत करूछि मु स्वागतिका देशरे आतंक खड़ाइछि कोरोना रा द्वितीय लहर स्थिति एत्ते बिगड़ी जाइछि जे लोके आत्मीयक मृत्यु नै अस्तव्यस्त किंतु जटिल समय रे किछि एमटी भी लोक अछन्ति जेउ माने निज जीवन रा परवाह न करी अन्य मानकर जीवन बचाउछन्ति एमारे कोरोना काल रा सही देवदूत जेउ माने निस्वार्थपर भाव रे मानवीयता रा सेवा करूछन्ति एमारे कोरोना काल रा कर्मयोद्धा एमानक पाखरे जाति धर्म बड़ नुहे बरं मानविकता ही बड़ धर्म दुर्दिन रे लोकंकु सहायता जोगाउथुबा एही धर्मवीर मानक उपरे देखिबा आज रा स्पेशल रिपोर्ट महामारी रो महायोद्धा कालर देवदूत कोरोना कालर सुपर हीरो भारत रे कोरोना रो द्वितीय लहर रो कोप जारी रही किंतु देशर भिन्न भिन्न सहरर आसीथिबा केतक चित्र एक कथा प्रमाणित करुछि जे समस्यार ए समय रे केतक लोक निजर परवाह न करी कोरोना संक्रमितंकु यथा संभव सहाय्य करबाकु उद्यम करुछन्ति एही चित्र को देखि लागुछि मानवीयता एबे भी बंचिछि देशर अन्य अंश भली राजधानी दिल्ली रे भी कोरोना संक्रमितंक संख्या द्रुत गति रे बढ़ुछि आउ एमिति समय रे कोरोना रोगी जीवन बचाइबा पई सबुठारु अधिक आवश्यकता पड़ुछि ऑक्सीजन रो किंतु देशर अन्य राज्य भली दिल्ली रे भी ऑक्सीजन रो समस्या एणु परीक्षार एही समय रे गुरुद्वारा रकाबगंज रे एक एमिति अभियान आरंभ करा जायछि जहां मानवीयतार एक नुआ उदाहरण प्रतिष्ठा करिछि कथा हला गुरुद्वारा रकाबगंज रे 250 ऑक्सीजन बेड विशिष्ट गोटे कोविड सेंटर रो आरंभ करा जायछि गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में बनाया गया है जिसमें 100-100 बेड के 3 सेक्शन बनाए गए हैं और जैसे जितनी जरूरत पड़ी अगर और जरूरत पड़ी तो उसको प्रधान साहब और एक्सटेंड करेंगे ऐसा मानना है भगवान करे कि और की जरूरत ना पड़े इसी में पेशेंट ठीक होकर चले जाएं अमेरिका से कनाडा से फॉरन से इम्पोर्ट करी हैं कंसनट्रेटिंग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो जिनसे उनको ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा देने का क्योंकि ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है फिर भी हमें और कुछ सिलेंडर भी खाली अरेंज किए हैं अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन का भी प्रबंध करेंगे कोरोना काल रे एही चित्र को देखि लागुछि मानवीयता एबे भी बंचिछि ये दिल्ली पुलिस रो एसआई राकेश कुमार राकेशंक वयस 57 वर्ष किंतु राकेश निजर परवाह न करी कोरोना रे प्राण हराउथिबा लोकंक अंतिम संस्कार रे समानंक परिजनंक सहाय्य करंती राकेश गत एप्रिल 11 ए जाए 1100 रु अधिक लोकंकर अंतिम संस्कार कराइबारे सहाय्य करि सारिलेनी राकेश केवल कोरोना फल रे प्राण हराउथिबा लोकंकर शव को कांध दियंती ताहा नुहे बरं चिता लगाइबा जाए परिजनंक सहाय्य करंती एथिके नुहे राकेश निजे 50 जनकर अंतिम संस्कार भी करि सारिछंती तांकर साहस ओ मनोबल देखि समस्ते तांकु प्रशंसा करूछंती 13/4/2021 से करवा रहा हूँ सर तो ये इसी में मदद करना है ये पुण्य का काम है सर बहुत ज़्यादा जी और भी काफ़ी आदमी पुण्य करने के मदद करने के नाम से यहाँ से शमशान घाट में आते हैं जी देशरे कोरोना रो द्वितीय लहरी फलरे जारी रहिछि आतंक एमिति कष्टकर समय रे कोविड संक्रमितंकु सहाय्य करबाकु हरियाणा रो गुरुग्राम रे गोटे एनजीओ देवदूत भाबे सामना को आसीछि गुरुग्राम रो एनजीओ हेमकुंट फाउंडेशन गुरुग्राम सेक्टर 42 रे कोरोना संक्रमितंकु पई मागणा रे ऑक्सीजन लंगर लगाइछि जे रोगींकु हॉस्पिटल ओ मार्केट रो ऑक्सीजन मिलु नाही समानंकु एठारु मागणा रे ऑक्सीजन दिया जाउछि हेमकुंट फाउंडेशन रो एही ऑक्सीजन लंगर को केवल गुरुग्राम नुहे दिल्ली एनसीआर रो कोविड रोगी भी ऑक्सीजन नबाकु आसुछंती एक बेसिक सेवा शुरू की है ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रिलीफ देते हैं हम जो पेशेंट्स को जिनको कहीं से कोई रिलीफ मिल नहीं रही है हॉस्पिटल से आते हैं
नहीं बेड मिलता है, घरों में प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और गिर रहा है, तो वो यहाँ हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिक रिलीफ ही दे सकते हैं, कोई हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, वी आर नो डॉक्टर्स। हाँ, हमने अपनी तरफ से एक बेसिकली ऑक्सीजन सेवा शुरू की है। चंडीगढ़ में भी कोरोना रो द्वितीय लहरों कोप जारी रही, एणु चंडीगढ़ प्रशासन लोक कोरोना संक्रमित को साहय करने को आवेदन कर प्रशासन और कोरोना संक्रमित को साहय करने उद्देश्य सहर दुईट समाजसेवी संस्था कंपिटेंट फाउंडेशन और भारत विकास परिषद सामना को आसी। ए दुई संस्था प्रशासन सह मिशि चंडीगढ़ सेक्टर 24 रो इंदिरा हॉलिडे रे कोरोना रोगीों पर 50 बेड्र हॉस्पिटल निर्माण कर सबु बेड्रे ऑक्सीजन रो व्यवस्था करा जाइछि, जा फलरे ऑक्सीजन अभाव पई कहारे जीवन जेमिति जीवन नाही। या छोड़ा ही कोविड आइसोलेशन सेंटर रे रोगी को पई रहिबा ओ खाद्यपेय एवं औषधर मागणा व्यवस्था करा जाइछि। हम 50 बेडेड जो है कोविड पेशेंट के लिए आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे। हमारे पास हर तरह की 24 घंटे कोविड के पेशेंट के लिए आपके पास डॉक्टर्स की फैसिलिटीज है, नर्सिंग स्टाफ है और ऑक्सीजन की फैसिलिटीज है, और उनके लिए और भी जो पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें हैं खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। पेशेंट का यहाँ फुली ट्रीटमेंट होएगा, कोविड के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट होएगा, जिसको जरूरत होएगी उसको हम एलोपैथिक देंगे, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होएगा। कोरोनार द्वितीय लहरर कोप समय देश में अत्यावश्यक औषध सह जीवन रक्षक उपकरण समस्या भी सामना को आसुच्छी। एही उपकरण गोटे हेउछि वेंटिलेटर, किंतु यार दाम एते जे साधारण लोके किणी पारंती नाही। किंतु इंदौर जणे व्यवसायी संजय पटवर्धन 10 मास कठिन परिश्रम परे निजर जणे रिटायर्ड वैज्ञानिकों सह मिशि एक सस्ता नन इनवेसिव वेंटिलेटर तैयारी करिवारे सफल होइछन्ती। तांकर दाबी हला केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तांकर ही वेंटिलेटर को बाजार रे छड़िबा को मंजूरी देछंती। संजय पटवर्धन को अनुसार तांकर वेंटिलेटर रो मूल्य 50,000 टंका आ एहार ओजन मात्र 2 किलो। से विश्वास करुछंती जे तांकर वेंटिलेटर फळरे बहु कोरोना संक्रमितंकर जीवन बचा जाई परिबो। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पेशेंट हो जाते हैं वो शहरों तक आईसीयू तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वहां पे वेंटिलेटर नहीं है। दूसरा क्या है कि मोबाइल वेंटिलेटर नाम पे हमारे यहां बहुत महंगे वेंटिलेटर हैं जो हमारे छोटे गरीब लोगों के पहुंच में नहीं है, और इस वेंटिलेटरों को आप जनरली आपकी एम्बुलेंस में नहीं पाएंगे। नॉर्मल एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और गैस मास्क लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने एक ऐसे वेंटिलेटर की खोज करने की कोशिश करी जो कि सस्ता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, और एक गांव का जो ग्रामीण अंचल में काम करता है आंगनवाड़ी या उसमें, वो भी इस वेंटिलेटर को चला पाए। निश्चित भावे कोरोना को हराइबार ये सब उद्यम देखि लागुच्छी एही जीवननाशक भाइरस उपरे मानवीकतार मनोबल भारी पड़िबो और देश शीघ्र कोरोना कबलरु मुक्त हेबो। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोरोनार बढ़ुवा संक्रमण रोकवाक आम समस्त सावधानता अवलंबन करने को पड़ एस तो महामारी से ही महायोद्धा शिक्षा नेवा जो मैंने निज जीवन विपद से पक आवश्यक लोकं साय कर किए टीफिन सेवा मध्यम लोकों पाखे मगणा खाद्य पहुंचाऊ आउ किए रोगी को अक्सीजेन कनसेट्रेटर दे किए गुरुतर रोगी को आत्मविश्वास देवाक रही गीत गाऊ। महामारी विरोध में लड़ुवा महायोद्धा कोरोना सह सारा देश लड़ुचे युद्ध आत्मीयों जीवन बचाईवा लोके सब प्रकार उद्यम करुछंती। सरकारु नै प्रशासन पूरा सिस्टम सब शक्ति लगाई छंती।
किंतु किछि एमिति लोक बि अछन्ति जे माने कोरोना काल रे देवदूत हुई आसिछन्ति। एमाने बिना कोनोसी लाभ रे आवश्यक थिबा लोकंकु सहाय्य करुछन्ति, बिना कोनोसी स्वार्थ रे कोरोना सह लड़ुथिबा रोगींक जीवन बंचाइबाकु दिन राति परिश्रम करुछन्ति। आज आम आपण को महामारी रही महायोद्धा सह भेटाइबु। महामारी भितर लोकंकु सहाय्य करबाकु खालसा आर्ट इंटरनेशनल पुणि थरे आगे आसी। समाजसेवी संस्था जम्मूर नानक नगर में आवश्यक थिबा लोकंक पाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सेवा आरंभ करिछि। एहि संस्था लोकंक घर जाए ऑक्सीजन पहुंचाइबार काम करुछि। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था, तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। जदिओ जम्मू में ऑक्सीजन रो कोनसी अभाव नहीं किंतु किछि लोगों को घरे यार अधिक आवश्यकता पड़ुछि, खासकर वयस्कों जो मैंने हस्पिटाल जापारी कौन से कारण ऑक्सीजन सिलिंडर नहीं पारना। एमती लोक खालसा आर्ट साहर हाथ आग को बढ़ाई। ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जहाँ भी कोरोना संक्रमितों पर संजीवनी काम करुच्ची, जरूरी स्थित लोक घर जाए ऑक्सीजन पहुंचा जा। कोरोनार संकट काल में होम आइसोलेशन कौन रोगी को ऑक्सीजन रो आवश्यकता पड़े ऑक्सीजन ऑन व्हील्स डाक्टर टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ रोगी घरे निशुल्क सेवा देवाकु तुरंत पहुंची जाती। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम एठारे लोकों पाई वाहन स्वतंत्र भाव निर्माण कर। जैसी आप देखोगे कि मरीज आने कम हुए, जैसी थोड़े से रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा जो डॉक्टर की ड्यूटी है लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पर मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर जारी करा जाएगी। एजाए 160 रु अधिक लोक ऑक्सीजन पई एमानंक सह जोगाजोग करि सारिछंती। एथिरु 45 रु 50 जनों को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन भी दिया जायछि। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ, स्पेशल कॉल सेंटर है, 4055574 उसका नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत है तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन एवं औषधर जिते आवश्यकता पड़ुछि लोकों पाखरे खाद्य पहुंचाइबार आवश्यकता मध्य सेतिक रहुछि। जो लोके होम आइसोलेशन रे रहुछन्ति सेमानंक पई कानपुर रे एक गोष्ठी टिफिन सेवा आरंभ करा जायछि। बहु लोक मिसी खाद्य प्रस्तुत करुछन्ति, स्वच्छतार ध्यान रखि खाद्य पैक करा जाउछि, आउ तापरे सेही लोकों पाखरे पहुंचा जाउछि जे माने रोगग्रस्त अछन्ति ओ घरे कैद रहबाकु बाध्य हेउछन्ति। अपने घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना रोगी को औषध प्रार्थना सह सुस्थ होगा मनोबल भी दरकार, एणु अहमदाबाद एसबीपी हॉस्पिटल डाक्टर यही रोगी मनोबल वृद्धि पीपी किट पिंधि गीत गाउछंती, गिटार बजाउछंती, लोकंक मन हालुका करुछंती ओ कोरोना टेंशन दूर करबाकु उद्यम करुछंती। डाक्टर माने देवदूतंक ठारु कम नहुंती, भावंतु देखि कोनोसी रोगीर चिकित्सा करबा सह देवदूत समानंकर मनोबल बढ़ाइबा काम भी करुछंती। पीपी किट्र बोझ उठाई झाड़े जुड़बुड़ू होई एमाने रोगी मनोरंजन करुछंती।
ए वीडियो उत्तराखंड अल्मोड़ा रो एठारे कोरोना भयरे बेहोश हो जायतिबा वयस्कंकु साहाय्य करबाकु केही आगोकु आसिले नाही। पुलिस कर्मचारी माने तुरंत पीपीई किट पिंधिले ओ वयस्कंकु कांधरे लदी चोखटिया हॉस्पिटल रे पहुंचाइले। जदिओ वृद्धंक जीवन रक्षा होई परिला नाही, किंतु ही पुलिस कर्मी समस्तंकु शिक्षा देले जे कोरोना कु डरिबा बदल रे मानवीयता दृष्टिरु साहाय्यर हात बढाइबा जरूरी। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। दुई हजार कोड़े में कोरोनार प्रथम लहर समय मार्च मसरू सारा देश में लॉकडाउन लगागला, फल अनेक लोक इच्छा थे भी असुविधा पड़ता लोकं सात बेस कि किंतु एथर स्थिति भिन्न। एवं समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर देखा संकट काल में सुपर हिरो आतेक प्रेरणादायक कहानी। कोरोना कालर एक समय एमती चैलेंज पूर्ण जहाँ कौन अंत दूर दूर जाए देखा। स्थिति एमती होइछि जे भाइरस बढ़ुवा बेग सारा देश में हईचई खेलाई समस्ते भयभीत, किंतु एमती जटिलता और एमती चैलेंज भितर केतेक चेहरा एमती अछंती जो माने सारा देश आगे उदाहरण पलटिछंती। एमाने केउठी आवश्यक थिबा लोकंक पाखरे राशन सामग्री पहुंचाउछंती, केउठी लोकंक सचेतन कराउछंती, तो आउ केउठी माने कोरोना रोगी पाखरे ऑक्सीजन पहुंचाउछंती। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने इसी दिन के लिए डॉक्टर की डिग्री ली थी, जब भी सोसाइटी को जरूरत पड़ेगी हम अपना बेस्ट करेंगे। मैं लॉकडाउन ड्यूटी में तैनात था, उसी दौरान जब बच्चियों को लेकर आया और कहा कि मुझे गोली दे दो, घाटे मर जाएंगे। अपने खुद के पैसों से उनको दो महीने का राशन दिलाया, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। देश उपरे आसीथिबा ही विपद काल रे आमो आपनको भितरे एमिति केतेक लोक अछंती जे मानंकर उद्देश्य एही चैलेंज को चिप करबा। एमाने सही लोक जे माने निज जीवन रो परवाह न करी निस्वार्थ भावरे आपनको सेवा रे लागि छंती। आज के टाइम अपना भी छोड़ चले गए, उन्होंने ये सब भगवान के स्वरूप है मेरे लिए। आपणको भोपाल डाक्टर विवेक शिवानी भेटाऊ जे न रही न थकी पहाड़ भली निज ड्यूटी कर चली। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक, डॉक्टर शिवानी, दोनों दंपत्ति एक महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सर ये मतलब जो है ना कि आप भी आखिर इंसान ही तो हैं। सही बात है, हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन ये महामारी ऐसी है कि हमें इंसान से बढ़कर के काफ़ी समय हमें लंबा काम करना पड़ रहा है, जिसमें हम हफ्तों हफ्तों काम कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए, कई बार 24 घंटे भी काम करना पड़ रहा है लगातार। शिवानी भाभी, मैंने जब आपसे नींद की बात कही थी तो आप हंसने लगी थी। एक्चुअली काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मेंटल पीस शायद है ही नहीं, नींद प्रॉपर किसी को मिल नहीं पा रही है, ना डॉक्टर्स को। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ डॉक्टर्स परेशान हैं, मरीज़ उनके परिजन सब परेशान हैं। तो वो मेरा नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन था टुवर्ड्स दैट। बाकी समय कठिन है। वायरस विरोध रे बड़ो युद्ध लड़ुवा डॉक्टर तमाम समस्यार सामना करछंती। आतंकर परिवेश रे समानक निज जीवन उपर भी गुरुतर प्रभाव पड़ुछि। एही कारणरो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोरोना काल रे ही सुपर हीरो को नहीं बेस चिंतित, कारण एमाने तो निज जीवन विपद रे पकाई दिन राति निज कर्तव्य पालन करुछंती। पैरामेडिकल वर्कर्स बहुत ही कठिन समय में गुजर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स लोगों के आईएमए के जो विंग है डॉक्टर फॉर डॉक्टर्स, और उसी के साथ में मेंटल वेलबींग और अलर्टनेस, मतलब लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि टेंशन होते समय क्या करना चाहिए। D4D जो हमारी कमेटी है उसमें डॉक्टर्स लोग, ऐसा कोई भी डॉक्टर हमको मालूम पड़ता है तो उसको फ़ोन करते हैं, उसके हॉस्पिटल के आजू बाजू का पेशेंट डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है और उसको जाके हम लोग फ़ोन करते हैं, उसको आइसोलेशन करते हैं, उसको मेंटल सोलेस करते हैं और जहाँ तक हो सकेगा उसको शांत रखने की कोशिश करते हैं। मेडिकल स्टाफ को पाई यही समय केवल ड्यूटी रहा है,
बर ये एक एमती युद्ध जहाँ को जेकोसी परिस्थिति रे जितना किंतु यह युद्ध को भी सेतबेले जिता जाई परिबो जेतबेले देशर तमाम स्वास्थ्यकर्मी मनोबल उच्च करा जिवो। डाक्तरों भली कोरोना काल रही भयानक समय गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी गोटे परिवार पर देवदूत पलटि गला। जड़े व्यक्ति ट्विटर में निज माँ को ऑक्सीजन लेवल कम होगा नहीं सूचना देते जहाँपर नोएडार कमिश्नर आलोक सिंह ट्विटर बाबद खबर बुझे एथसह एसीपी को पठाई ऑक्सीजन जगैदे। मैंने अपनी माता जी के लिए ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी। डीएम सर को मैसेज किया था, सीएम सर को मैसेज किया था, कमिश्नर सर को मैंने मैसेज किया था, ट्वीट किया था मैंने उन सबको। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मेरी मदद की, मेरे को ऑक्सीजन दिलाई। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। महामारी समय सचेतनता और सावधानता को ही गुरुत्वपूर्ण अस्त्र बोली धरा जाउछि। जम्मू काश्मीर उधमपुर मोहन मिस्त्री जने एमती व्यक्ति जे निरा अंदाज रे लोकों को सचेतन करछंती। रंगमंच सह जड़ित मोहन मिस्त्री जोकर उपरे पोशाक पिंधि गाँ गाँ गली कंदी बोली लोकों को सचेतन करछंती। रीवारु बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र एक निरा अभियान आरंभ करिछंती। कोरोना युद्ध जीति आसीथिबा लोकंक घर को जाई सेमानंकु भेटुछंती आ लोकंकु सावधानता अवलंबन करबाकु परामर्श देउछंती। समस्यार ए समय सांसद जनार्दन मिश्र सकाळ हेबा क्षणी केतेक लोकंकु सांगरे धरी बाहरी पड़ती सबु गली कॉलोनी को जाई लोकों को समस्या दूर करबा को दम करंती। अभी तक मैं 700 से ज्यादा रोगी परिवारों से मिल चुका हूं, उनके घरों में जा चुका हूं। केवल 4 लोगों को एडमिशन के लिए कहना पड़ा है, बाकी सारे लोग अपने आप ठीक हो गए हैं। रोगियों में जो निराशा है, उनके परिजनों में जो निराशा है, उसको उत्साह बताना, वास्तविकता से परिचित कराना और हमारी जो टीम लगी हुई है वो सब है, उनकी भी हौसला अफजाई करना। महामारी रो ही समय डाक्तरों को पाई अनेक गुणा अधिक चैलेंज भरा, किंतु नैनीताल डाक्तर एमएस दुकल को कहानी टिके अलग। से केवल लोकों जीवन बचाइबारे लगी नुह बर दिन राति जेकोसी समय कहीं रोगी जोगाजोग कले से समस्या दूर करने को पछाती ना। तो हम पूरी सावधानी के साथ मरीज का इलाज करते हैं और पूरी सावधानी के साथ ऐतिहासिक तौर पर हम अपने घर में भी बहुत ख्याल रखते हैं और बिल्कुल हम घर में भी आइसोलेट रहते हैं। तो हमारी जो दिनचर्या वो यही रहती है। दिनचर्या देखिए, अब क्योंकि कोविड है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो तो सही अच्छा तो नहीं लगता कि कोविड बढ़ रही है, लेकिन तब एक जिम्मेदारी हमारे गवर्नमेंट ने हमें जिम्मेदारी दे रही है, वो निभाना बहुत जरूरी है। कोरोना काल में शह शह लोकों जीवन बचाई सारी डॉक्टर दुग्गलों प्रशंसा पूरा अंचल शतमुख। एथिपाई लोके केवल तांकर सम्मान करंती ता नहि परंतु तांको रियल लाइफ रो सुपर हीरो भी मानंती। कई सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, मगर पिछले 2020 से जो ये कोरोना काल चल रहा है तब से उन्होंने लोगों को इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला बढ़ाया है कि लोग तो उनके हौसले से भी लोग जिंदा है सही में। और अगर अभी वो यहाँ ना हो तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी आधी जनता तो और होपलेस हो जाएगी। मध्यप्रदेश बालाघाट आसी खबर निश्चित भाव आपको दोहलाइब। कोरोनार द्वितीय लहर में निज रोजगार हर सारी अर्जुन वंशकार निज जीवन नहीं हताश हो सारी, कारण पर पेट भरवा को अन्नर गोटे भी दान ना, किंतु बालाघाट पुलिस तंकर हताशा मात्र कई मिनिट्रे दूर कला। राशन पानी दिया हमको, हाँ। दिया है एक आध महीना का हमको दे दिए राशन पानी, उनने सब दिया, तेल दिया, आटा दिए, चावल दिए, सब दिए।
पुलिस साहय मिलवा पूर्व अर्जुन एमती हताश हो जाते से निज जीवन शेष करने को चाहूते आईपाई से ड्यूटी पुलिसकर्मी पाखक विष खाइबा को टंका मागिबा को जाइथिले। पुलिस किंतु तांकर कष्ट बुझिबा सह मात्र किसी समय मध्य घर को दुई मास राशन पहुंचाई देला। पूछा तो कि घर में कुछ भी नहीं है, तीन दिन चार दिन से हम चावल में नमक और मिर्च मिला के खा रहे थोड़ा थोड़ा, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस परिपथ से फिर हमने उसको नगर पालिका भेजे, वहाँ पर भी व्यवस्था हुई नहीं। फिर हमने अपने विवेक से अपने साथीदार स्टाफ की मदद से उसकी एक डेढ़ महीने की खुराक की व्यवस्था कर दी। कोरोना काल में एमती साहय को पुलिस विभाग वरिष्ठ ऑफिसर भी प्रशंसा कर चुनती। जब भी आया हमारे पास जिसकी मतलब उसके घर में ऐसे हालात थे कि वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वो बहुत परेशान था, जिसको देखते हुए जो मेरा स्टाफ है अपने खुद के पैसों से कुछ लोगों ने पैसे मिला दिया उसको दो महीने का राशन दिलाया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसकी सराहना हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा श्री रेड्डी जी साहब द्वारा एसपी साहब द्वारा सभी के द्वारा की गई है और उनको अलग से इनाम भी सुनाया दिया है। कोरोना काल रे माने सही देवदूत जो मानकर सहायर प्रत्येक पदक्षेप भाइरस विरोध में अस्त्र ठारु कम नुहे, कारण यही सहयोग यही हाथ कोरोनार चेन को काटी पार। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। लोकों असहायतार सुजोग नहीं केतेक लोक अर्थ रोजगार करिबारे लागिछन्ति, एमाने मानविकतार तंटी चिपी देउछन्ति, किंतु महामारीर महाजोद्धा माने मानविकतार दीपक जलाइ रखिछन्ति। एमानक त्याग उत्सर्ग और मानव धर्म समस्तंकु प्रेरणा जोगाइबो। आज तो समय होची स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।